सरकार व्यापारी नहीं जिस राज्य सुखी तो सर वो राज्य की तरक्की नहीं कर सकता। अज व्यापारी हाय हाय कर रहा है। कैप्टन सरकार ने व्यापार मंडल ने व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार बिजली का इंतजाम करे, जो नहीं करती है साढ़े तरने प्रदर्शन अभी शुरू कर दिते ने, अल्टीमेटम दिता सी, पर सरकार कुंभकर्णी नींद सुती पई है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। सूबे अंदर बिजली की घाट दिनों दिन वधदी जा रही है। राज्य भर च वड्डे वड्डे बिजली के कट लगन कारण लोगों नूं भारी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। अते हथ दी पै रही गर्मी के मौसम च पूरा पंजाब एक तंदूर के वांगू तपदा होया नजर आ रहा है। अजिहे च अज ताज़ा तस्वीर लुधियाणा तो सामने आईया ने, जिथे व्यापारी वर्ग का गुस्सा कैप्टन सरकार अते बिजली बोर्ड से फुटदा होया नजर आया है। उन्हां वल्लों बिजली बोर्ड खिलाफ जम के रोस प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन दौरान व्यापारियों ने कहा कि पहला उन्होंने कोरोना महामारी कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पिया, ते हुण पंजाब भर च लग रहे बिजली के लंबे लंबे कट्टां कारण उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दिंदियां कहा कि जेकर हालात अजिहे ही रहे तो आने वाली चोणां च सियासी लीडरां नूं उन्हां वल्लों सबक जरूर सिखाया जाएगा। की नाम है तुहाडा? बलजीत सिंह जी, जनरल प्रेजीडेंट पंजाब व्यापार मंडल तो जी। की कहना चाहोगे, किस तरीके की स्थिति है इसलिए व्यापारी की और व्यापारी कितना का परेशान है बिजली की किल्लत को लेकर? देखो जो लाइट नहीं है तो कोई व्यापार भी नहीं है, सारे व्यापारी लाइट तो शुरू होंगे ए टू लैके जैड तो। देखा जाए अज व्यापारियों की बहुत माड़ी हालत है जी, मतलब देखा जाए तो चार चार घंटे पाँच घंटिया के कट, मतलब कि किसी तरीके की व्यापारियों को कुछ नहीं सूझता पाया जी। पहला करोना न लड़ाई की, हूँ बिजली नहीं आ रही जी। हूँ जे सरकार व्यापारी नहीं जिस राज्य के सुखी तो सर वो राज्य की तरक्की नहीं कर सकता। अज व्यापारी हाय हाय कर रहा है, तरस रहा कि मतलब कि कभी करोना तो कभी किसी तो कभी किसी तो, मतलब इन परेशानियों के असी की करिए। व्यापारी व्यापार वर्ग कितने जाए मैं दसो, तुम लोग पहला लॉकडाउन की माल चली, लॉकडाउन तो बाद करोना की माल चली, अज असी इतने आ चल रहे हैं। जे स्टेटा चलदियाँ तो एक व्यापारी के सिर पर चलदियाँ, जे असी टैक्स पे करते हैं तो स्टेटा चलदियाँ ने। अज के राज सब तो दुखी व्यापारी है जी। व्यापार वर्ग को पुछ के देखो, जिन्हें व्यापारी आए ने 50-100 तो उपर व्यापारी आया जी, सब ने यही गल कही है कि साडे व्यापार ठप्प होए पे ने, ये सिर्फ चलते पे ने बैंक की लिमिटा के सिर पर जी। अज बैंक इन्हों के हाथ पिछों रथ हाथ के चले पे तो सारे अज सड़क पर आ जाएंगे जी। सरकार को व्यापारियों बारे सोचना पैना है, जो नहीं सोचेगी तो आने वाले समय के लोग सरकार बारे सोचेंगे। जो साढ़े चार साल कैप्टन साहब ने घर सिस्टम फार्म च बह के बिताए ने, हूँ असं फिर वोटों वेले दसेंगे जी की सिस्टम बनता है या की नहीं बनता। अज असी एक चेतावनी दें कैप्टन साहब को। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की एक समूह व्यापारियों की जिला लुधियाना वर्किंग कमेटी की बैठक लुधियाना हुई सी, जिसे फैसला किया गया कि जो पंजाब के हालात करोना के बाद चलते जा रहे हैं, पहला करोना 20 फिर करोना 21 करोना 1 करोना 2 फिर करोना 30 तो दहशत फैलाई जा रही है। हूँ पंजाब का पट्ठा ही गुल करता कैप्टन सरकार, जिसका बिजली मंत्री भी नहीं है, आप चंडीगढ़ दिल्ली से धक्के खा रहे हैं। अज पंजाब दे सारी इंडस्ट्री बंद पई है, अज पंजाब दे बिजली दे हालात बड़े खराब हो चुके ने। पंजाब दे अंदर बिजली की इन्नी क घाट है, हर 2 महीने दे विच, साल च 2 महीने जदों फसलों नूं पानी देना हुंदा है जून और जुलाई च, ये पक्का के सरकार ने इंतजाम करने हुंदे ने। सरकार दे सारे पावर प्लांट फेल हो गए, प्राइवेट बिजली सरकार प्राइवेट बिजली इंतजाम नहीं कर सकी। सरकार 13,500 इंतजाम 13,000 नहीं कर सकती सी, 15,000 की जरूरत है पंजाब नूं, अज वो इंतजाम नहीं हो पा रहे। 500 करोड़ रुपया चाहिए जे लाइना दी, नवीं लाइना पानिया पैनगियां और नवे इंतजाम करने पैनगे। सरकार को 500 करोड़ रुपया भी नहीं है और 8,500 करोड़ रुपये सबसिडी बिजली बोर्ड नूं किसानों दी जाती जो भी नहीं मिली। अज बिजली बोर्ड घाटे च है, अज पेट्रोल और डीजल महंगे हो चुके हुए हैं। अज जरा बिजली का रेट 7 रुपये इंडस्ट्री में लगता, पेट्रोल डीजल ना 21 रुपये वह मुल जाके पैंता है, जिसे कि अनबीरेबल है। इंडस्ट्री पंजाब की नहीं चल सकती। पंजाब 5 लाख लेबर जा चुकी है, लुधियाने के अंदर 15 लाख लेबर काम करती है और लुधियाने के अंदर 2,20,000 दुकाना इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, जिसे चलना नामुमकिन हो गया। पूरे पंजाब 4 लाख इंडस्ट्री है,
आज बिजली ना होने करके पंजाब च बेरोजगारी और लाल ऑर्डर की स्थिति खड़ी हो गई है। कैप्टन सरकार ने व्यापार मंडल ने व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार बिजली का इंतजाम करे, जे नहीं करती है साढ़े तरने प्रदर्शन अभी शुरू कर दिते ने, अल्टीमेटम दिता सी, पर सरकार कुंभकर्णी नींद सुती पई है, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। धरने प्रदर्शन अगले कदम शुरू रहेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले असी प्रदर्शन करांगे। असी MLA MP जिहड़े कांग्रेस दे ने जिहड़े सरकार च ने सत्ता च, उन्हों का घेराव भी करांगे और बिजली बोर्ड के घेराव दे करन दा प्रोग्राम भी यही बनावांगे। सरकार इंतजाम करे अपने जिन्हें भी इन्हां दे पावर प्लांट उन्होंने चलावे, बाहरों बिजली सरकार को नहीं आ सकती क्योंकि इन्हां कोल इंतजाम नहीं है, इन्हां कोल पैसा नहीं है, प्राइवेट बिजली नहीं आ सकती। अज सारी इंडस्ट्री बंद पई है, 80% इंडस्ट्री बंद पई है, 2,20,000 यूनिट बंद पिया, 4,00,000 पंजाब का बंद पिया, और दुकानों से भी आए लोग बेकार खलोते ने, दुकानों से 8-8 घंटे बिजली बंद, AC चला नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, और पंजाब सुनसान हो गया, ब्लैकआउट हो गया, आर्थिक रूप से पंजाब पिखर गया, और जो हालात पंजाब के ने संभलना मुश्किल हो जाएगा, पंजाब से इंडस्ट्री माइग्रेट होएगी, यही जिम्मेवारी कैप्टन सरकार की है। दस दी कि बिजली के बड़े बड़े कट्टा कारण पिंडा तो लेके शहरों तक लोगों में हाहाकार मची हुई है, लोग मुड़को मुड़की हुए सरकार ते बिजली महकमे नूं कोसदे हुए आम देखे ते सुने जा सकते ने। बिजली दे कट्टां कारण लोगों के जिथे इनवर्टर तक जवाब दे गए ने, उत्थे ही फ्रिजा TV कूलर ते AC आदि इलैक्ट्रॉनिक चीज़ा बेकार होके रह गई ने, ते लोग महंगे मुल दा डीजल फूक के जनरेटर चलाउण लई मजबूर हो रहे ने। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल। मेरा नाम नीलम है, मेरे घर का नाम सरदार सूबा सिंह, असी पिंड आले वाले के रहने वाले हैं, फिरोजपुर जिला फिरोजपुर, तो मेरे कैंसर हो गया सी 2000 विच, तो मैं PGI चंडीगढ़ तो इलाज करवाया सी जी, उत्थे ऑपरेशन किया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता, तो इलाज तो बाद मैं 2 साल बाद फिर कैंसर फुट पिया, फिर मैंने इन्होंने दस्या रोमोस्टैटिक वालों का, फिर मैं इतने चली गई, तो इतने मैंने जाने उन्होंने 8 दिन की दवाई दी, तो 8 दिन बाद मैनू थोड़ा फर्क पैना शुरू हो गया कि मैं पहला ऐसा कि नहीं बचती, फिर मर के जो इन्हें दवाई दी तो मैं बहुत फर्क पै गया, 8 दिन जी थोड़ा जहा पैना फर्क हो गया, 3 महीने का इलाज से इन्हों का भी 3 महीने से दवाई खवावे फिर ठीक करेंगे तेन, वो 3 महीनों के भी मैं 8 दिन घट ही खाधी दवाई तो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। फिर मैं इतों बागी तो करवाया, CT स्कैन करवाई, सारे टैसट दोबारा करवाए भी कैंसर हो फिर रहता नहीं गया कि, वो कहते नहीं जी हूँ तू बिल्कुल ठीक है।